हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुबह में 3 से 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो आप एक दिव्य शक्ति हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना असर हो रही है या नहीं। दोस्तों, अगर आप पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो रोज़ अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको पूरी शक्तियाँ देख रही है। दोस्तों, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आँखें प्रतिदिन ब्राह्मण मुहूर्त में अर्थात रात्रि से 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएंगे कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। ये भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रदान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु की अमृत तुल्य कहा गया है, यह अमृत वेला बोध। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान ही अपने सपने में आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। यदि आपको अपने यानी कि आने वाली घटनाओं का पहले से ही अज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है। दोस्तों, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आप अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाशपुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। अचानक ही आपको तेज रोशनी या पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य से करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति की संध्या में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो नियंत्रण ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं।
आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो अस्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।